खंड क्षेत्र की आंधी पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत धूला रावजी के गांव जोगिया वाली ढाड़ी के पास शंकरलाल सैनी पुत्र पांचू राम सैनी की एक केमिकल फैक्ट्री में रविवार को सुबह 9 बजे अचानक केमिकल की फैक्ट्री में आग लगने से 3 बच्चे समेत 4 जिंदा जल गए। मृतक 3 बच्चों की उम्र 2 से 5 साल बताई जा रही है। आग इतनी भीषण थी कि बच्चों को बचाने गए युवक की भी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर फायर ब्रिगेड की और सिविल डिफेंस की मदद से करीब 3.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि अचानक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से आसपास की ढाणियों में तथा गांव में अफरा तफरी मच गई। दूर दूर तक आग के गोले एवं धोए के गुब्बारे दिखाई देने लगे। आसपास के गाँव में सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष बच्चे दौड़कर पहुंचे। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि अवैध रूप से केमिकल की फैक्ट्री 7-8 वर्षों से यहां पर चलाई जा रही थी। जमवा रामगढ़ के धूला रावजी गांव में रविवार को सुबह 9 बजे लगी आग। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगते ही वहां भगदड़ मच गई और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के परिवार बाहर निकलकर भागे। भगदड़ में मजदूर के 3 बच्चे फैक्ट्री के अंदर ही फंस गए। मौके पर मौजूद फैक्ट्री मालिक शंकरलाल का भतीजा रमेश बच्चों को निकालने अंदर गया, मगर भीषण आग की चपेट में आने से उसकी भी मौत हो गई। आग पर काबू पाने के बाद चारों के शवों को बाहर निकाला गया। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में आग लगी है, लेकिन पुलिस आग लगने के कारणों की जांच करने में जुटी है। आग लगने का कारण जांच होने पर ही पता चलेगा। सर, अब कितने दिनों से, कितने साल से कारोबार चल रहा था यहाँ? 5-7 साल से अनफर्म करेंगे। कितनी इसमें मौतें हो चुकी अब तक? ये तो मैं क्या बता सकता हूँ, निकाल रहे हैं, ये तो आप पुलिस और प्रशासन से पूछो। मेरा काम था, मैंने पानी का टैंकर मंगवा दिया, JCP मंगवा दी, पुलिस प्रशासन को फोन कर दिया, प्रशासन को कर दिया, दमकल में कर दिया। एक सरपंच का यही काम था कि आबादी में है नहीं, खुद की पर्सनल जमीन थी, खुद का घर था, वहीं 5-7 साल से। यहाँ जोड़ा राव जी में एक केमिकल की फैक्ट्री थी, जहाँ पे छोटे छोटे डिब्बों में पैकिंग करके दुकानदार सप्लाई किया जाता था। इन्हीं कारणों से आज यहाँ आग लग गई, जिसमें 4 कैजुअलिटी हो गई, जो बहुत ही दुखद घटना है। पूरा प्रशासन इस काम को एकजुट कर लग रहा है, दमकल आ गई है, आला अधिकारी इसमें लग रहे हैं और जल्दी इस आग पर काबू पा लिया। और मैं इस घटना की बहुत ही दुखद घटना, इसके लिए मैं बहुत ही क्षेत्र में चारों तरफ दुखद घटना हो गई, इसके लिए चारों तरफ शोक की लहर है, क्योंकि जवान बेटा और बच्चियाँ खत्म हो गए।